मॉर्निंग बच्चों, आज हम 7th में पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इसमें हमने इसके टू टाइप्स हमने ऑलरेडी किए। पहला टाइप था इसका राइट टू इक्वलिटी और दूसरा था राइट टू फ्रीडम। अब हम आज तीसरा पॉइंट इसका करने जा रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट्स हिम अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लाइटेशन। एक्सप्लाइटेशन मतलब मीन्स कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती किसी काम करने के लिए फोर्स करना, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लाइटेशन। यानी कि कोई भी इंसान अगर अपनी मर्जी से कोई भी काम करने कि विल नहीं रखता है, अगर उससे जबरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है और लेकिन उसकी मर्जी वो काम करने की नहीं है, तो उसे फोर्स किया जा रहा है वो काम करने के लिए, तो उसको कहते हैं एक्सप्लाइटेशन। तो यहाँ पे बताया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, जो सिटीजन है उसको ये तीसरा हक भी मिला है कि वो अपने इस हिफाजत के लिए आवाज उठाए। और इसके लिए ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें उसने अपनी जो भी सेफ्टी है उसमें जो भी वो इसके लिए आवाज उठाएगा, ये बताया है आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्स्ड लेबर। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 14 ईयर से बिलो होते हैं और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। वो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बेचारे गरीब लोग होते हैं कि अपने बच्चों को काम करने के लिए वो मजबूर करते हैं, और वो इतने इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन द फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर डेंजरस जॉब्स। तो वो क्या करते हैं, या तो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या किसी खानों में, जैसे पत्थर तोड़ना या बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़वाना या सड़कों का काम होता है वो करवाना, या कोई भी ऐसी खतरनाक जो जॉब्स होती हैं वो बेचारे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं होता है, तो अगर उनको ये पता हो तो वो इस, या कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनसे जबरदस्ती जिनका जबरदस्ती शोषण किया जाता है, तो वो भी अपने इस हक का इस्तेमाल करके अपना हक मांग सकती हैं। यानी एक्सप्लाइटेशन के, शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। अगर किसी औरत के साथ कोई जुल्म हो रहा है तो वो भी इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। अब फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द सिटीजन इंजॉय द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ईच इंडिविजुअल इज फ्री टू बिलीव इन एनी रिलीजन एंड वर्शिप एनी गॉड। राइट टू फ्रीडम, ये जो है यानी कि हर इंसान को अपने मजहब का, यानी अपने मजहब को चलाने की पूरी इजाजत है, पूरी परमिशन है। यानी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, जो भी उनके मजहब में बताया है, तो वो अपने मजहब को अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हैं। यानी ये उनको हक कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है राइट टू फ्रीडम। यानी उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है कि वो अपने मजहब को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलाएं। द सिटीजन इंजॉय द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि जो इंडियन सिटीजन है उनको ये हक मिला है कि वो किसी भी मजहब को अपना सकते हैं, इसमें उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मुस्लिम है वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें उन्हें कोई रोक टोक नहीं की जा सकती है। हिंदू है वो मंदिर में जाकर अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, सरदार है वो पगड़ी लगाते हैं, तो इसके लिए उनको कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। तो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर इंसान को इजाजत देता है कि वो अपने मजहब को और बाकी मजहब को यानी कि अपने ढंग से खुदा की, ईश्वर की इबादत कर सकता है। अब ये है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो किसी भी
मंदिर मस्जिद में जाने की उसे इजाजत है। यानी ये नहीं कि ये हिंदू है ये मस्जिद में नहीं जा सकता है, या मुस्लिम है ये मंदिर नहीं आ सकता है, इसमें उन्हें किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन प्लेसेस पे जाके गॉड की वर्शिप कर सकते हैं। अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन। एवरी रेस ऑफ कम्युनिटी इंजॉय द राइट टू हैव देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। पीपल आर फ्री टू डेवलप एंड एक्सपेंड। तो ये जो फिफ्थ हमारा राइट है, इसमें बताया है कि हर इंसान को इस कॉन्स्टिट्यूशन में यह हक मिलता है कि वो अपने अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा, जो उसकी एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसको वो ले सकता है। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि हम अपनी एजुकेशन कहीं भी किसी भी एज में ले सकते हैं। यानी इस एजुकेशन में किसी को भी ये रोक टोक नहीं की जा सकती, ये छोटी जात का है, इसको पढ़ने का हक नहीं है, या ये गरीब है, इसको पढ़ने का हक नहीं। आज तो आपको पता है गुजर बकरवाल जो है वो भी आज पढ़ रही है और हमसे आगे निकल के हाई गेजेटेड पोस्टों पे एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं। तो इसी तरह से बताया है कि हर रेस, हर नस्ल की जो भी कम्युनिटी है, उन्हें ये हक दिया जा रहा है कि वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और उस अपना लिटरेचर उसमें लिख सकते हैं, कुछ भी काम वो उसमें कर सकते हैं। यानी अपनी कम्युनिटी कल्चर को भी वो कायम रख सकते हैं। तो इस तरह से जो पीपल हैं वो फ्री हैं और इसको अपना आगे डेवलप करने में वो प्रोग्रेस कर रही है। अब है सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें सिक्स्थ राइट देता है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी वजह से अपने हक से दूर है, यानी कि उसको कोई भी इनमें से कोई भी हक नहीं मिल रहा है, इन हक से वो महरूम है या दूर है, तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि वो इनको इस हक दिलाने के लिए वो कोर्ट में आवाज उठा सकता है। और अगर किसी भी किस्म की कोई उनके साथ ज्यादती करता है, कोई भी अनफेयरनेस करता है, तो वो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके बारे में जाके कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी अपने हक के लिए वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो आज ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है, इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। ओके।